Subscribe and click the bell icon for all the television updates. I would like to say something. Yes, you should. When I came in, I was nothing. And I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू. अगर कभी किसी का दिल दुखा रहा तो सॉरी. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू डान. आई होप दैट ये शो सालों साल चले. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट. और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं. एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है. सो I wish all the best aap sabko and thank you. मेरा एज चकोर का आज लास्ट डे है उड़ान में. और ये दिन तो अभी शुरू हुआ है. एक्चुअली मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले. तो यस, इट्स माय लास्ट डे. इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. बहुत अच्छे बीते मेरे 3 साल से ज़्यादा वाला वक्त. और जब आई थी तो कुछ नहीं थी. जा रही हूँ तो कुछ लेकर जा रही हूँ. बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ यहाँ से. एंड आई होप कि दिस ये जो शो है ये इसकी यादें और जितना भी वक्त मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है वो हमेशा मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी. लाइक द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज. सर क्या कहेंगे? बिकॉज चकोर से ज़्यादा हम मीरा को मिस करने वाले सर. आई थिंक ये लास्ट डे उनका है बट साथ साथ हमारा भी है. आपका ये इसका भी लास्ट डे नहीं, आपका भी लास्ट डे नहीं है. ये हमारे साथ ही है. ये कहीं नहीं जाएगी. ये एक छोटा सा ब्रेक है और ये जल्द वापस आएगी. कहीं नहीं जा रही है. या एक छोटा सा ब्रेक है. नथिंग मोर देन अ स्मॉल ब्रेक. He has been a very good supporter for us. When we came in, he has always been a guardian for us. And he always has this teddy bear hugs also that I'll miss. You'll not miss anything. I'm not saying. I'm just saying. For the little break. Oh, it's over. It's a very beautiful journey. जो मीरा ने किया पिछले 3 सालों में. जब ये आई थी पहली बार मैंने इनसे कहा था कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और अब ये जिम्मेदारी इनके कंधों पे है और वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी वो वक्त बताएगा, इनकी मेहनत बताएगी. तो मैंने सबको ऐसे कहा था. तो इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा किया है. दे डिड. इन्होंने एक बोलते हैं दिल से काम किया. इन्होंने मन से काम नहीं किया है. इन्होंने अपनी मतलब सब कुछ दे दिया है. जो किसी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक असूल होता है कि आप सब कुछ दे दो फिर ऑडियंस के ऊपर है वो लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं प्यार देते हैं नहीं देते. उड़ान को मिलती थी लाइक अभी भले ऊपर नीचे हुआ हो बट विजेंद्र और मीरा के टाइम पे जो टीआरपी हम टीआरपी करने आते थे. इन्होंने बहुत कमाल का काम किया. टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट. वो बाद में आता है लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम की वजह से लोगों का प्यार मिला इनको. So it's the love of the viewer which has converted to TRP. सर हमको लगता है कि अगर टाइम स्लॉट चेंज नहीं हुआ होता कुछ पिक्चर अलग होती. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मेरा मानना है कि देखिए अच्छा कंटेंट जहाँ भी आएगा जब भी आएगा वो चलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी नीयत अच्छी है. हम 4.5 साल से शो को चला रहे हैं. बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं. तो टाइम स्लॉट इज अ पार्ट एंड पार्सल. और ऐसे कई बार शोज हुए हैं पास्ट में भी हुआ है दूसरे चैनल पर भी हुआ है. कलर्स पे ये इम्पैक्ट पहला था कि उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई शो स्लॉट चेंज के बाद नहीं चला है. तो हमने चैलेंज लिया
हमें चैलेंज लेना पसंद है, जो दूसरे नहीं कर पाते वो हमने किया है। इनफैक्ट उड़ान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने बोला था बंधुआगिरी होती नहीं है, अब 2014 में बंधुआगिरी दिखा रहे हैं, ये तो 70 और 80 में होता था। तो हमने ऐसे चैलेंज लिया, सो इट्स एक्साइटिंग टू टेक अप चैलेंजेस। उसी तरह से आई डोंट थिंक स्लॉट का फर्क पड़ा है, हम स्लॉट लीडर रहे भी हैं, अभी भी हम नंबर 2 पे हैं और बहुत कम डिफरेंस है फ्रॉम द कंपटीशन चैनल, एंड वेरी सून विल बी स्लॉट लीडर। तो वो मुझे यू नो आई डोंट थिंक आई लाइक टू से दैट कि स्लॉट की वजह से कुछ रेटिंग में फर्क पड़ा है। हम अपनी पूरी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे तो वी विल बी द नंबर 1 शो ऑफ द GEC सेक्टर, नॉट ओनली द स्लॉट लीडर। थैंक यू सर। लास्टली क्या कहेंगे? जाते जाते आप लोग यू विल कीप गिविंग लव दैट यू हैव ऑलवेज बीन गिविंग एंड